तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है, उसमें अभ्यास पाँच का आज पांचवा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। अभ्यास पाँच का पांचवा प्रश्न क्या था दोस्तों कि वाक्य बनाना था। ये देखिए हमने लिख दिया है, हमने कोशिश की है अपनी तरफ से बनाने की, आप अपनी तरफ से करिए। देखिए क्या है, किस किस का बनाना है वाक्य। अभितः परितः समया निक्षा प्रति अनु इक्षति प्रेक्षति, ठीक है, इनका जो है वाक्य में प्रयोग करना है इन शब्दों का। तो हमने किया है वाक्य में प्रयोग, आप देखिए जैसे कि है अभितः, ठीक है। तो अभितः का मतलब क्या होता है कि दोनों ओर। तो गृहम अभितः उद्यानम अस्ति, गृहम अभितः उद्यानम अस्ति, घर के दोनों तरफ उद्यान है। तो उद्यान में एक मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, जबकि गृहम में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, क्यों, क्योंकि अभितः का प्रयोग हुआ है घर के दोनों ओर। घर के दोनों ओर की बात हुई है तो घर में क्या होगा, अभितः के कारण, अभितः शब्द के कारण गृहम में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। और ये आपका आपका जो कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है, उद्यानम अस्ति, उद्यान है। तो आगे देखिए क्या है कि कह रहे हैं विद्यालय के चारों तरफ पुष्प है, ये है परितः। परितः मतलब चारों तरफ, चारों तरफ का बनाना है आपको। तो क्या करेंगे हम, विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः पुष्पम अस्ति, पुष्पम अस्ति। कह रहे हैं विद्यालय के चारों तरफ पुष्प है। पुष्पम में क्या हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, और जबकि विद्यालय में परितः शब्द के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, समया, समया का मतलब भी पास होता है और निक्षा का मतलब भी पास होता है, ठीक है। समय और निक्षा दोनों का अर्थ क्या होता है, पास। तो समय का क्या है, देखिए उपाध्यायम, उपाध्याय मतलब गुरु, गुरु के पास शिष्य है। तो क्या हो गया है, गुरु के पास क्या है, कौन है, शिष्य है। तो शिष्य जो है ये आपका कर्ता और ये आपकी जो क्रिया है, शिष्य एक वचन में है, और उपाध्याय समय के कारण उपाध्याय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, उपाध्यायम समयान शिष्य अस्ति। आगे देखिए क्या है, निक्षा, निक्षा का मतलब भी क्या होता है, पास। तो मातरम निक्षा कन्या अस्ति, मातरम निक्षा कन्या अस्ति। बहुत ही साधारण और सिंपल साधारण वाक्यों को बनाया गया है। देखिए मातरम, मातरम में क्या है, मातृ, मातृ अर्थात माता है, मातृ का जो है वो आपको रूप चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये मातृ शब्द का जब रूप चलता है तो द्वितीय विभक्ति में मातरम बोलते हैं मात, ठीक है, माता माता मातरम, मात्रा मात्रे, ठीक है, इस तरह से रूप चलता है। तो क्या हो जाएगा, मातृ का द्वितीय मातरम, ठीक, मातरम निक्षा, माता के पास। देखिए भले कारक के आ रहा है लेकिन हम माता में क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, क्यों, क्योंकि निक्षा है माता के पास, निक्षा के कारण माता में क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति। और कन्या अस्ति, कन्या में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर, प्रति का मतलब की ओर, ठीक है, प्रति का मतलब होता है की ओर। तो क्या बनेगा इससे, अहम आपणम प्रतिगच्छामि, अहम मैं आपणम प्रतिगच्छामि, बाजार की ओर, आपणम मतलब बाजार की ओर जाता हूँ। तो आपणम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, कर्म कारक है, तो द्वितीय विभक्ति लगी प्रति के कारण, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब पीछे, के पीछे, पीछे। तो सह कृष्णम अनुगच्छति, वह कृष्ण के पीछे गच्छति जाता है। तो अनु के कारण
कृष्णा में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कृष्णम, कृष्ण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कृष्णम। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इच्छति, इच्छति मतलब इच्छा करता हूँ, इच्छा करता हूँ, इच्छति है आपकी प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन का, एक वचन की इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, तो इच्छति है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो बना दिया था, हाँ, तो उसको मैंने सुधार करके फिर से इच्छति बनाया है। पहला वाला मैंने जो बनाया था वो देखिए क्या, अहम से था, अहम फलम इच्छामि, मैं फल की इच्छा करता हूँ, लेकिन हमें तो बनाना है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या हो करेंगे हम लोग, सफलम, सफलम इच्छति, वह फल की इच्छा करता है। ठीक है, अहम लिखेंगे तो इच्छामि हो जाएगा और सह लिखेंगे तो इच्छति बनेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, पृक्षति, पृक्षति को हम दोस्तों क्या करेंगे कि सा प्रश्नम पृक्षति, सा प्रश्नम पृक्षति, पृक्षति मतलब पूछती है, तो वह प्रश्न पूछती है। ठीक है, वह प्रश्न, सा प्रश्नम पृक्षति, प्रश्न में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक है। ठीक है, और अब देखिए छठा, छठा करना था कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। ठीक, तो क्या है इसमें, देखिए क्या है, ग्रामम और जलम अस्ति दिया हुआ है, इसमें बीच में भी भरना है, ना हो तो उस अभ्यास को आप देख लीजिए। हाँ, ये देखिए ये छठा है ना, रिक्त स्थान की, ये रिक्त स्थान को भरो, ग्रामम जलम, ग्रामम जलम अस्ति विद्यालम वनम अस्ति, तो देखिए क्या हो जाएगा, ग्रामम जलम अस्ति का अभितः, अब देखिए ग्रामम है और जलम अस्ति, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अभितः, अभितः मतलब दोनों ओर, अभितः का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दोनों ओर, ग्राम के दोनों ओर जल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, विद्यालयम वनम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर वन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालय के चारों ओर अर्थात परितः, विद्यालय में क्या भरेंगे दोस्तों, परितः, परितः, विद्यालयम परितः वनम अस्ति। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जनकः सत्यम, जनक सत्य के जाते हैं, तो क्या जनक सत्य के पीछे जाते हैं, तो जनकः, जनकः सत्यम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, अनु, अनुगच्छति। ठीक है, जनकः सत्यम अनुगच्छति, आगे क्या है, त्वं धनम, त्वं धनम, तो तुम धन की क्या करते हो, इच्छा करते हो। ठीक, क्या भरा जाएगा, इच्छसि, तुम धन की इच्छा करते हो, यहाँ पे इच्छसि भरा जाएगा। आगे देखिए क्या है दोस्तों, कि वयम प्रश्नम, वयम प्रश्नम, तो हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, पूछेंगे ही, तो वयम प्रश्नम पृच्छामः, ये हो जाएगा ना, वयम प्रश्नम पृच्छामः। अब आगे देखिए क्या है, ईश्वरः लोकम, ईश्वर लोक की, संसार की क्या करते हैं, रक्षति, रक्षा करते हैं, ईश्वरः लोकम रक्षति, ईश्वर लोक की रक्षा करते हैं। ठीक, तो लोक में द्वितीय विभक्ति हुई है, प्रश्नम में द्वितीय विभक्ति हुई है, कर्तुरिष्टम कर्म के कारण कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक होता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं कर्मणि द्वितीय से, उसी के कारण यहाँ पे प्रश्नम लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये इसी को हमने क्या किया है, लिख दिया है। ठीक है, इसी को हमने लिख दिया है कि ग्रामम अभितः जलम अस्ति, विद्यालयम परितः वनम अस्ति, जनकः सत्यम अनुगच्छति, त्वं धनम इच्छसि, वयम प्रश्नम पृच्छामः, ईश्वरः लोकम रक्षति। ठीक है दोस्तों, तो ये अभ्यास पाँच का जो सारे अभ्यास थे, सारे प्रश्न थे, वो आज समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग अभ्यास छः के नियम को देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास छः के नियम को देखेंगे। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने अनुवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपने नए मतलब कि अगले वीडियो में अभ्यास के नियम के साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा चाहती हूँ आपसे, नमस्कार।